सरकार और किसानों के बीच सुलह का रास्ता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार और किसान संगठनों की 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है। केंद्र सरकार के अलावा अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों की नज़र इस आंदोलन पर है। इस प्रदर्शन में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के कई किसान संगठन शामिल हैं। आज हम यहाँ उन्हीं किसान नेताओं के बारे में बात करेंगे जो इन प्रदर्शनों का खास चेहरा बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूँ शाइना शर्मा और आप सब देख रहे हैं न्यूज नंबर। प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम newsnumber.com। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के साथ पूरे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इन कानूनों को निरस्त किया जाए और एक नया कानून बनाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य को सबके लिए लागू किया जाए। अब तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन भारत सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी दोनों पक्ष अपने रुख में बदलाव करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आखिर वो किसान नेता कौन हैं जिनके एक इशारे पर हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमा हो चुके हैं? इन्हीं नेताओं में से एक का नाम है सतनाम सिंह पन्नू। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सतनाम सिंह पन्नू की उम्र 65 साल है। इस कमेटी की स्थापना 2007 में हुई थी, जिसमें करीब 5000 के आसपास सदस्य हैं। इस कमेटी से जुड़े लोग पंजाब के तरन तारण, गुरदासपुर, फिरोजपुर और अमृतसर से संबंध रखते हैं। फेसबुक पर इनके 70,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं। यह किसान यूनियन किसी भी मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट करने में लंबा समय लेता है। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल की सरकार के दौरान भी इसने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था। सुरजीत सिंह फूल। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के संस्थापक सुरजीत सिंह फूल हैं। इस किसान संगठन की 2004 में स्थापना की गई थी। इसमें सिर्फ 1000 मेंबर हैं। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी का राजनीतिक झुकाव माकपा की तरफ है। इसके फेसबुक पर सिर्फ 274 फॉलोअर्स हैं। इनके ऊपर कई बार पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। यही नहीं, पंजाब सरकार ने 2009 में इन पर UAPA के तहत मामला दर्ज किया था, क्योंकि इनके संबंध कई नक्सलियों से बताए गए थे। अजमेर सिंह लखोवाल। भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के प्रेसिडेंट अजमेर सिंह लखोवाल है। संगठन के जनरल सेक्रेटरी हरविंदर सिंह लखोवाल है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और अभी इसके 7000 मेंबर हैं। फेसबुक पर इसके 5886 ही फॉलोअर्स हैं। और 70 साल के अजमेर सिंह लखोवाल पाकिस्तान में जन्मे थे और विभाजन के समय लुधियाना आए थे। अजमेर सिंह लखोवाल ने गणित में MSc की है। गिरते तापमान और कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रदर्शनकारियों के लिए आगे के दिन बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। बावजूद इसके इन किसानों के हौसले बुलंद हैं। MSP को लेकर ये किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं और सरकार भी बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने का विचार बनाए बैठी है। ऐसे में हल क्या होगा, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सतनाम सिंह अजनाला। जमहूरी किसान सभा के प्रेसिडेंट सतनाम सिंह अजनाला हैं। इस संगठन की स्थापना 2004 में हुई थी और इसके 2000 एक्टिव मेंबर हैं। इस संगठन के राजनीतिक संपर्क भी हैं। रिवॉल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से इसके राजनीतिक संबंध बताए जाते हैं। हरमीत सिंह कादयान। भारतीय किसान यूनियन कादयान के संस्थापक हरमीत सिंह कादयान हैं। इस यूनियन की स्थापना 2017 में की गई थी। इसमें लगभग 4000 मेंबर हैं। यह बठिंडा, जालंधर, होशियारपुर, मोगा, रोपन और मानसा जैसे कई जगहों पर सक्रिय है। 35 साल की उम्र के हरमीत सिंह कादयान लुधियाना में जन्मे थे और लुधियाना के खालसा कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। निरपय सिंह टुड्डी के। इस किसान यूनियन के संस्थापक निरपय सिंह टुड्डी के हैं। 1972 में इस किसान संगठन की स्थापना की गई थी। इसके 5500 मेंबर इस समय एक्टिव है। यह किसान संगठन अमृतसर, गुरदासपुर, जालंधर, पठानकोट, संगरूर, मोगा, लुधियाना और नवाशहर में एक्टिव है। यह किसान संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट डेमोक्रेटिक से राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। इस किसान संगठन के 1247 फेसबुक फॉलोअर्स हैं। ये वो किसान नेता हैं जो आज लाखों किसानों का विश्वास जीत चुके हैं, या फिर यूं कहें कि आज भारत के लगभग सभी किसान इन संगठनों के जरिए अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं
और सरकार ने अब तक कोई ऐसे संकेत नहीं दिए हैं कि वो तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग को स्वीकार करेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये संघर्ष कब तक चलता रहेगा।